मुठभेड़ में तीनों शूटरों की मौत हो गई। वहीं बदमाशों को गोली लगने से दिल्ली क्राइम ब्रांच के SI अमित कुमार भी घायल हो गए। तीनों शूटरों पर लाखों रुपए का इनाम था और तीनों पर 50 से करीब मुकदमे दर्ज थे। न्यू दिल्ली रेंज RKपुरम की क्राइम ब्रांच की टीम सफ़ेद रंग की किया सेल्टॉस कार में तीन बदमाशों का दिल्ली से पीछा कर रही थी। जैसे ही बदमाश खरखौदा की ओर से सोनीपत की सीमा में घुसे तो दिल्ली पुलिस ने सोनीपत STF को सूचना दी। इस पर STF और दिल्ली पुलिस की टीम ने बदमाशों को खरखौदा के छिन्नौली बाईपास पर घेर लिया। इस पर बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, तीनों बदमाशों को गोलियां लग गई। तीनों की सीने, पेट व सिर में गोलियां लगने पर खरखौदा के अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बदमाशों की गोली लगने से दिल्ली पुलिस के SI अमित भी घायल हो गए। तीनों की पहचान भाऊ गैंग के शूटर हिसार के खरिया गांव आशीष उर्फ लालू, हिसार के गांव खरड़ के सन्नी खरड़ और गोहना के गांव रिढ़ाना के विक्की के रूप में हुई। तीनों के पास से कई आधुनिक पिस्टल गोलियां बरामद हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सोनीपत STF प्रभारी योगेंद्र दहिया भी अभियान में शामिल थे। बाद में जांच के बाद पुलिस ने बताया कि सन्नी पर 15, विक्की पर 7 और आशीष पर विभिन्न थानाओं में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। तीनों पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस की जांच में सामने आया कि तीनों शूटर हिसार में महिंद्रा के शोरूम पर फायरिंग और 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने, गोहाना के माथुराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने और मुरथल के गुलशन ढाबे की पार्किंग में शराब कारोबारी सुंदर की हत्या में शामिल थे। हरियाणा पुलिस ने तीनों शार्प शूटरों पर कई लाख रुपए का इनाम रखा था। तीनों ने हिसार जिले के कई व्यापारियों से करोड़ों की फिरौती मांगी थी। घटना के बाद सोनीपत पुलिस और हरियाणा STF मामले की जांच में जुट गई है।